मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सिंगापुर में गठित आजाद हिंद सरकार का प्रमुख होने के आधार पर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बता रही हैं, जबकि बोस ने जिस तरह की सरकार का गठन किया था उसे गवर्नमेंट इन एग्जाइल या निर्वासित सरकार कहते हैं। इस तरह की सरकार देश से बाहर जाकर बनाई जाती है। ऐसी सरकारों के गठन का मकसद राजनीतिक दबाव बनाना होता है। आमतौर पर निर्वासित सरकार को वास्तविक सरकार नहीं माना जाता है। फिर भी अगर कंगना के तर्क को मान ले तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह होंगे, क्योंकि उन्होंने बोस से भी पहले काबुल में निर्वासित सरकार का गठन किया था। अब आइए इस ऐतिहासिक घटना को आज के नजरिए से जानते हैं। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी टिप्पणियों की ऐतिहासिकता या उसकी कमी के लिए आलोचना होने के बाद कंगना ने अपने दावे के सबूत के रूप में 1943 में बोस द्वारा स्थापित निर्वासित सरकार का हवाला देते हुए अपनी बात दोहराई। आइए जानते हैं वह असल में किस बारे में बात कर रही है। दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के गठन की घोषणा की थी। उस निर्वासित सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री खुद सुभाष चंद्र बोस थे। उनके पास विदेशी मामलों का विभाग और युद्ध विभाग था। ऐसी चटर्जी वित्त के प्रभारी थे, ऐसे अय्यर प्रचार और प्रचार मंत्री थे, और लक्ष्मी स्वामीनाथन को महिला मामलों का मंत्रालय दिया गया था। बोस की आजाद हिंद फौज के कई अधिकारियों को भी कैबिनेट में शामिल किया गया था। आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन के दक्षिण पूर्व एशियाई उपनिवेशों मुख्य रूप से बर्मा, सिंगापुर और मलाया में सभी भारतीय नागरिकों और सैन्य कर्मियों पर अधिकार का दावा किया था। जैसे चार्ल्स डी गॉल ने स्वतंत्र फ्रांस के लिए अटलांटिक में कुछ द्वीपों पर संप्रभुता की घोषणा की थी, ठीक वैसे ही बोस ने अपनी सरकार को वैधता देने के लिए अंडमान को चुना था। सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों को भी नागरिकता प्रदान की। अकेले मलाया में 30,000 प्रवासियों ने आजाद हिंद सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त की थी। वही कूटनीतिक रूप से बोस की सरकार को जर्मनी, जापान और इटली, साथ ही क्रोएशिया, चीन, थाईलैंड, बर्मा, मंचूरिया और फिलीपींस में नाजी और जापानी कठपुतली सरकारों द्वारा मान्यता दी गई थी। अपने गठन के तुरंत बाद आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अब आइए जानते हैं कि क्या सुभाष चंद्र बोस से पहले भी निर्वासित सरकार बनाई गई थी। तो आपको बता दे, आजाद हिंद सरकार के अस्तित्व में आने से 28 साल पहले काबुल में भारतीय स्वतंत्रता समिति IIC नामक एक समूह द्वारा भारत की निर्वासित सरकार का गठन किया गया था। जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ने के लिए बोस ने जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ गठबंधन किया था, उसी तरह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों, ज्यादातर जर्मनी और अमेरिका में, ने भारत के क्रांतिकारियों और पैन इस्लामवादियों के साथ मिलकर भारत को आजाद कराने की कोशिश की थी। IIC ने ओटोमन खलीफा और जर्मनों की मदद से भारत में विद्रोह भड़काने की कोशिश की थी, वह भी मुख्य रूप से कश्मीर में मुस्लिम जनजातियों और ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा के बीच की थी। बरकतुल्लाह भी गदर आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, जो 1913 में कैलिफोर्निया में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। हालांकि युद्ध के अंत तक भारत में आंदोलन को कुचल दिया गया था, लेकिन गदर आंदोलन ने भारतीयों और अंग्रेजों पर एक मजबूत और स्थायी प्रभाव छोड़ा। काबुल की निर्वासित सरकार गदरवादी क्रांतिकारियों द्वारा चलाए गए कई कदमों में से एक थी। बाकी आपका इस जानकारी पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। और इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारियों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।